नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूनिक स्टडी हब चैनल में। दोस्तों, हमारा जो कैलेंडर का टॉपिक हमने शुरू किया था उसको हम आगे करते हैं। दोस्तों, कैलेंडर में हमने जो पीछे सम किए हैं उसको आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि हर किसी की हेल्प हो। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जो सीखा हुआ हमने वो हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कैलेंडर का हम देखें, कैलेंडर का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, उसमें 2 से 3 सवाल हर एग्ज़ाम में मिले हैं और हरियाणा के एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सम आते हैं। और आपने जो ग्रुप डी का और पुलिस का SI का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन अराइज हुए हैं। आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखो दोस्तों, उसके लिए हमारा जो मंथ कोड है वो बहुत ज़रूरी है, वो हम याद करेंगे। किस तरह से याद करेंगे? देखो दोस्तों, वैसे तो देखें 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 12 नंबर हैं ये। वैसे याद करना बहुत ही कठिन होगा, बट एक एक बंदे के 200 200 250 250 नंबर याद होते हैं। फ़ोन नंबर जैसे उनको याद किया है, इसको भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जैसे वो इम्पोर्टेंट मान के हम याद कर लेते हैं, तो इसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आधार कार्ड नंबर होता है 12 नंबर का है, वो याद होता है लगभग बंदों को। तो इसको हम याद करने के लिए हम ट्रिक बता देंगे आपको, और ये याद आसानी से हो जाएगा। जैसे 0 33 है, 0 35 है, 614 है, 625 है, ये तो पता लग ही गया। जनवरी के लिए 0 है, फरवरी के लिए 3 है, मार्च के लिए 3 है, अप्रैल के लिए 6 है, मई के लिए 1, जून 4, जुलाई 6, फिर अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5 है। ये कोड हर महीने के लिए कोड है और पूरे साल के लिए कोड है। 0 33, 0 35, 614, 625। एक दो बार हम आप बोलोगे, अपने खुद बोलोगे तो याद हो जाएगा। 0 33, 0 35, 614, 625। दोस्तों, 0 33, 0 35, 0 33, 0 35, 614, 625। बहुत ही आसान है। 0 33, 0 35, 614, 625। और जैसे किसी भी कंट्री का कोड होता है, उस कोड के हिसाब से याद करो। 0 33, 0 35, 614, 625। याद हो जाएगा दोस्तों, एक दो बार लिख के देखोगे आसानी से याद हो जाएगा आपको। याद करना ज़रूरी है, याद करना ही पड़ेगा। और ये याद होने के बाद आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हो आसानी से। तो याद करें प्लीज़, कुछ भी नहीं है, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद है डे कोड। डे का कोड आपको पता है कि 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में जो शुरू का 0 1 2 3 4 5 6, शुरू में हमने रविवार लिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और ये शनिवार। चेक पे क्या है? शनिवार। तो दोस्तों, जैसे मंथ का कोड है वो आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, और ये तो सभी को पता होता है। बस स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 0 से करनी है। वो क्या है? रविवार। तो 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 वीरवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। ये 2 कोड हैं दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके बहुत काम आएंगे। आपको याद करने हैं 0 33, 0 35, 614, 625। ये कोड याद होने के बाद दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है ओड डे। ओड डे का मतलब क्या है? जो हम सोल्व करेंगे उसके बाद जो ओड डे, जो जितना शेष बचेगा, फालतू बचेगा, ओड बचेगा, वो क्या निकलेगा? हमारा डे का कोड निकलेगा, ओड डे निकलेगा। और जो सा भी इनमें से निकलेगा वही उस पर देख लें कौन सा वार है, वो अपना दिन होगा दोस्तों। इन देखो, डेट है, मंथ कोड है, ईयर है और
लीप ईयर है उसको यहाँ पुट करके, और हमें डिवाइड कैसे करना, जोड़ के इनको 7 से डिवाइड करना है, और जो ओड डे मतलब जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, डे कोड होगा। तो डे कोड निकालने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा वार था। जैसे हम एक एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं दोस्तों, जैसे हम लिखें कि 26 जनवरी, उन्नीस सौ इक्यानवे क्या दिन था ये निकालना हमें। तो इसके लिए हम देखें कि 26 डेट है जनवरी के लिए कोड, ईयर क्या हो जाएगा, इसमें से हम 1900 को माइनस कर देंगे, डे ईयर हम निकालते हैं दो, जैसे 1991 है इसमें से 1900 माइनस कर दें, कितना बचा 91, जैसे क्या हो जाएगा 26 प्लस 0 है जनवरी के लिए कोड, 033, 035, 614, 625। अब यहाँ पे ईयर कितना निकला है 91। लीप ईयर देखें तो जो 91 आया है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और पूरा पूरा जितना डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8 बच गया 1, 11, 4 दूनी 8 तो 22 पूरे लीप ईयर हो गए। लीप ईयर जो 4 से डिवाइड होते हैं लीप ईयर होते हैं, और जो 4 से डिवाइड नहीं होते वो साधारण ईयर होते हैं। डिवाइड कैसे करना है 7 से। तो दोस्तों आगे देखें, जोड़ो इसको, 6 × 1 = 7 और 2 = 9, 9 × 2 = 11 और 2 = 13, 139 को 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद देखो 7 × 7 बच गए 6, होगी 69, 7 × 63 बच गए 6/7, 7 × 7 बच गए 6, 7 × 63 बच गए 6। तो दोस्तों 6 क्या आया है, ओड डे, और ओड डे मतलब जो कोड आया है वो क्या, ऊपर देखें हम तो 0 1 2 3 6 आया है, तो 6 पे क्या था शनिवार, तो 26 जनवरी 1991 को क्या हो जाएगा यहाँ पे शनिवार। तो दोस्तों ये शनिवार निकला है, और आप इस कोड से देखो, ये कोड है डेट मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, डिवाइड किसे करना है 7 से, इन सभी को जोड़ के डिवाइड किसे करना है 7 से। हमने एक एग्जांपल लिया आपके सामने यहाँ पे, और ये निकाल के दिखाया यहाँ पे क्या आया शनिवार, 26 जनवरी 1991 क्या था शनिवार। तो दोस्तों दोबारा फिर रिवाइज करवाते हैं आपको, ये अपना कोड है जनवरी से लेके दिसंबर तक, 033 035 614 625, और ये डे कोड है 1 से लेके 6 तक, रविवार से शनिवार तक। आपको लीप ईयर निकालना है, जो ईयर 1900 माइनस कर देंगे जो निकला है उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, लीप ईयर निकल जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे आपको डिवाइड करने के बाद शेष लेना है, जो शेष बचे वही आपका डे कोड होगा, और आपका ये दिन निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, लाइक करें और दोस्तों के शेयर भी करें। आगे हम इस पे और एग्जांपल कराएंगे और अच्छे अच्छे सम करवाएंगे, और आपको लीप ईयर जो जैसे 1991 है इसकी जगह लीप ईयर हो कोई वो लेके दिखाएंगे, और आपको आगे दिन समझाएंगे। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद। और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे दोस्तों, हमारे और लेसन है वो आप देख सकते हैं अच्छे से, और पिछले लेसन को जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।